व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। भारतीय इतिहास, जिसमें से हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पीला, डी नीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हड़प्पा का पुरस्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है। रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 360 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921-22 ईस्वी तथा 1922-23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यह उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में, डी आलमगीरपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिम किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहां बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, तीन युग्मित समाधियां तथा गोदी बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए सिंधु, बी शतुर्दी, सी सरस्वती, डी गंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन बार बार आया है। अन्य नदियां हैं सरस्वती, घग्गर, आप्या, सरयू, यमुना, गंगा आदि। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम था। ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरब, डी तुर्क अफगान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन कासिम ने 711-712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यह एक अरब मूल का आक्रमणकारी था। चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क एवं तुर्क अफगान आक्रमणकारियों ने भी भारत पर कई आक्रमण किए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ए हुसैन शाह, बी जैन उल आबिदीन, सी इब्राहिम आदिल शाह, डी महमूद द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु सम्राट कहा गया है। यह आदिल शाही वंश के पांचवे राजा थे। इन्होंने अपनी रचना किताब ए नौरस में मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी अल्तुतमिश के शासनकाल में, डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अल्तुतमिश के शासनकाल में ख्वाजरिम शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु नदी तट तक आ गया था।
मंगबरनी को इल्तुतमिश द्वारा शरणा देने पर चंगेज खां का खतरा टल गया। अगला प्रश्न, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट, डी सूरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम थी। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। साल 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 509 तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 509 में वायसराय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, तथा राजा शिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। अगला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए 12 अगस्त 1765 में, बी 18 अगस्त 1765 में, सी 29 अगस्त 1765 में, या 21 अगस्त 1765 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले तय हुआ कि कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? ए हरमान बांडी ने, बी मेघनाथ साहा ने, सी एस चंद्रशेखर ने, डी जेवी नालिकर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारों के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा और द्रव्यमान का 1.44 गुना होती है। अगला प्रश्न, हेल बॉब किसका नाम है? ए पुष्चल तारा, बी कार्टून चित्र, सी अंतरराष्ट्रीय कंपनी, डी एक खिलौना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। धूमकेतु आकाशीय धूलकण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड है। सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से इसके सिर का निर्माण होता है। इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। टेम्पल, हेल बॉब, फोर्ब्स, हेली आदि धूमकेतुओं के उदाहरण हैं। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76वें वर्ष में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ए ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंचुरी,
सी सूर्य, डी लुम्बक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है जो पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न, भूपरपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मैग्नीज, डी सिलिकॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसकी संरचना में प्रारंभ से ही गैस और जल वाष्प की मात्रा विद्यमान रही है। भूपृष्ठ का निर्माण मुख्यतः 8 तत्वों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से हुआ है। भूपृष्ठ के निर्माण में 3/4 तत्व ऑक्सीजन और सिलिकॉन ही हैं। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी जनसंख्या ए संपूर्ण मानव जाति की 16% है, बी संपूर्ण मानव जाति की 17% है, सी संपूर्ण मानव जाति की 18% है, डी संपूर्ण मानव जाति की 28% है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.2% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है, जो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.55% है। प्राचीन काल में यह 16% था। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में 2रा स्थान है। अगला प्रश्न, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ए तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार, सी बड़ा निकोबार, डी कार निकोबार द्वीप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित था, लेकिन वर्तमान में नहीं है, क्योंकि 2004 की सुनामी लहरों में यह समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था, ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इस सुपर महाद्वीप में वर्तमान में फैले दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सम्मिलित थे, जो अब पृथक पृथक महाद्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ए विंध्य क्रम, बी धारवार क्रम, सी टर्शिया क्रम, डी गोंडवाना क्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत का 90% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? ए अन्नमलाई पहाड़ियां, बी कार्डामम पहाड़ियां, सी नीलगिरी पहाड़ियां, डी शेवरॉय पहाड़ियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नमलाई की पहाड़ी है, जो सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है तथा ऊटी नामक पर्यटन स्थल इसकी पहाड़ी पर स्थित है। अन्नमलाई एवं कार्डामम पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं, जबकि शेवरॉय पहाड़ियां पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह UNEP तथा यूनेस्को का उपक्रम है।
अगला कथन, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। अगला कथन, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पृथ्वी काल विश्व वन्य जीव कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पहली बार मनाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण की जरूरतों पर बल देना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष निश्चित तिथि को एक प्रतीक के रूप में 1 घंटे के लिए गैर आवश्यक प्रकाश बंद कर दिया जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? ए सन 1793 का चार्टर एक्ट, बी सन 1813 का चार्टर एक्ट, सी सन 1833 का चार्टर एक्ट, डी सन 1853 का चार्टर एक्ट, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सन 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। पहली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसका चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। दूसरा, सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। तीसरा, कंपनी की आय से 1,00,000 रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था भी की गई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64,00,000 रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली और अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कायम की गई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1949, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 15 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64,00,000 रुपए व्यय हुए।
संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कायम की गई। वास्तव में संविधान के प्रारूप में 7000 संशोधनों के लिए नोटिस प्राप्त हुए, लेकिन 2473 संशोधन ही प्रस्तुत किए गए। सभा की संपूर्ण कार्यवाही लोकतांत्रिक थी। सक्रिय वाद विवाद के उपरांत ही इसकी प्रक्रिया पूरी की गई। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परवर्ती उपबंध, परंतु शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में लाया गया। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। यह लोक कल्याण की अवधारणा तथा गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित है। इनके लागू न होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? ए प्रथम संशोधन द्वारा, बी 8वें संशोधन द्वारा, सी 9वें संशोधन द्वारा, डी 42वें संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ए दूसरी अनुसूची में, बी 5वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1917 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जन प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, और कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो। ऐसे में न तो दल बदल कर रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और न ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय, डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के संबंध में अनेक संविधान विदों के अलग अलग विचार हैं। संविधान की प्रकृति के संदर्भ में डॉ. भीमराव अंबेडकर का मानना था कि भारतीय संविधान समयानुसार एकात्मक और संघात्मक है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है।
एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को परिसंघीय कहा है। मूल सार यह है कि भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय किंतु भावनात्मक रूप में एकात्मक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संविधान निर्माताओं ने भारत की परिभाषा एक संघ के रूप में की है, हालांकि उन्होंने इसे एक यूनियन माना है। यहां अनेक छोटी इकाइयां एक मजबूत केंद्र के अंतर्गत कार्य करती हैं और केंद्र इन सभी इकाइयों से अधिक शक्तिशाली होता है। अमेरिका भी एक संघात्मक राष्ट्र है, मगर भारत और अमेरिका की संघात्मक संरचना में अंतर है। भारतीय महासंघ अमेरिकी महासंघ के विपरीत राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में राज्यों और संघ दोनों के लिए केवल एक नागरिकता है, जबकि अमेरिकी महासंघ में संघीय नागरिकता में एक और राज्य नागरिकता में दोहरी नागरिकता है। प्रत्येक राज्य भारत का राज्य की जनसंख्या के आधार पर सांसदों को संसद में भेजता है, जबकि अमेरिकी महासंघ में प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है। भारत में केंद्र की स्थापना के पश्चात राज्यों का निर्माण और निर्धारण हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ए, उद्देशिका। बी, मूल अधिकार। सी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। डी, मूल कर्तव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। उद्देशिका अथवा प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारत के संविधान की मसौदा समिति ने यह देखा था कि प्रस्तावना या उद्देशिका को नए राष्ट्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को परिभाषित करने तक ही सीमित होना चाहिए और उसके सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों को संविधान में और विस्तार से समझाया जाना चाहिए। संविधान के निर्माताओं का अंतिम उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य और समता मूलक समाज का निर्माण करना था, जिसमें भारत के उन लोगों के उद्देश्य और आकांक्षाएं शामिल हों जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षेप में मौजूद है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? ए, तेंदुलकर समिति। बी, सक्सेना समिति। सी, लकड़वाला समिति। डी, हाशिम समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति गठित की गई है। इस समिति का गठन एस आर हाशिम की अध्यक्षता में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। ए, अल्प रोजगार। बी, मुद्रास्फीति। सी, बचत का निम्न स्तर। डी, असंगठित क्षेत्र। ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSSO द्वारा की जाती है। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या
अधिक होने के कारण लोगों की आय में काफी असमानता मिलती है। इसके अतिरिक्त इनके संबंध में उपयुक्त जानकारी के अभाव में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना को एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलिडे होना ही चाहिए। ए 1964 से 1969, बी 1966 से 1969, सी 1974 से 1979, डी 1976 से 1979। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 1966 से 1969 तक के समय को योजना अवकाश कहा जाता है। भारत में आर्थिक योजना की प्रक्रिया प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, जबकि 1966 से एक वर्षीय योजना 3 बार चलाई गई, जिससे पंचवर्षीय योजना का क्रम बिगड़ गया। हालांकि 1969 से 1974 तक चौथी योजना पुनः चली, लेकिन तीसरी और चौथी योजना के बीच के अंतराल को योजना अवकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? ए योजना आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी राष्ट्रपति, डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1982 में स्थापित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सभी प्रकार के खाद्यान्नों एवं कृषि उपजों के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस दर पर सरकार खाद्यान्नों एवं कृषि उपजों को किसान से खरीदने का आश्वासन देती है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त पंचवर्षीय योजनाओं में 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 तक था। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा विकास की गति बढ़ी। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना एवं राजीव आवासीय योजना का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी तार संचार यानी दूर संचार, डी आवास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सामाजिक अधिसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि आता है, तथा दूर संचार, सड़क, रेलवे, ऊर्जा आदि नहीं आता। अगला प्रश्न, पुरा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी मनमोहन सिंह, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी राजीव गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पुरा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना का प्रारूप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पुरा राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत की गई योजना है। अगला प्रश्न, प्रचन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि ए लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी
श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। डी, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रचिन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जहां श्रमिक अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। अन्य शब्दों में कहा जाए तो यह ऐसी स्थिति होती है जहां श्रम शक्ति का हिस्सा या तो बिना काम के रह गया है या अनावश्यक तरीके से काम कर रहा है, जहां श्रमिक उत्पादकता अनिवार्य रूप से शून्य है, वास्तव में एक अल्प बेरोजगार की स्थिति है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वह प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रचिन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में विद्यमान है। उदाहरण के लिए यदि एक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि है और उसके परिवार में 7 सदस्य हैं जो सभी कृषि करते हैं, तो ऐसे में यदि इनमें 3 सदस्यों को इस कार्य से निकाल दिया जाए तो भी पैदावार में कोई अंतर नहीं आता। अतः 3 लोग प्रचिन्न बेरोजगार हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। अगला प्रश्न, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ए, बिहार, बी, तमिलनाडु, सी, आंध्र प्रदेश, डी, राजस्थान, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 25 दिसंबर 2021 को भारत के राजस्थान राज्य से अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। गरीबों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें गरीब परिवारों को रियायती दरों पर यानी 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध करवाया जाता था। सामान्य विज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ए, फील्ड थ्योरी, बी, पार्टिकल फिजिक्स, सी, क्वांटम मैकेनिक्स, डी, परमाणुवीय भौतिकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम भौतिकी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1 नैनोमीटर बराबर है ए 10-9 मीटर, बी 10-6 मीटर, सी 10-10 मीटर, डी 10-3 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1 नैनोमीटर 10-9 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई है। अगला प्रश्न, एक कण जिसकी कम से कम वीमा 10-7 मीटर से कम हो कहलाता है ए नैनो पार्टिकल, बी माइक्रो पार्टिकल, सी मैक्रो पार्टिकल, डी मिली पार्टिकल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नैनो कण 1 से 100 नैनोमीटर तक का आकार रखने वाले कण होते हैं। 1 नैनोमीटर 10-9 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी मोमबत्ती का जलना, सी दूध से दही का बनना, डी पानी में चीनी का घुलना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार दूध नहीं प्राप्त हो सकता। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ है ए ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ, डी ठोस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। यह द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को तीव्र गति से वाष्पीकृत और वाष्प को ठोस रूप से संघनित कर प्राप्त किया जाता है। यह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है। इस क्रिया के दौरान इसका तापमान 10 डिग्री F हो जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को शीतल बनाए रखने तथा आइसक्रीम को गलने से बचाने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न, ठोस से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव्य अवस्था में आए बिना ठोस बन जाता है, जैसे कपूर, आयोडीन, नसादर आदि। ठोस के द्रव के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को द्रवण, और जिस स्थिर ताप पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आता है उसे द्रव का द्रव्यमानांक कहा जाता है। द्रव जिस ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे उस द्रव का हिमांक कहा जाता है। किसी भी ताप पर द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, ए न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी चार्ल्स डार्विन, डी लैमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाने का प्रयास किया। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। यह फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। डार्विन ने भी विकासवाद को परिभाषित किया है, जबकि न्यूटन और आइंस्टाइन मूलतः भौतिक विज्ञान से जुड़े रहे। अगला प्रश्न, टिक और माइट्स वास्तव में होते हैं, ए मकड़ी वंशी, बी क्रस्टेशियाई, सी कीट, डी बहुपाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। टिक और माइट जिन्हें आर्किनिडा कहते हैं, आर्किनिडा वर्ग में आते हैं, जैसे स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स, किंग क्रब इत्यादि। अगला प्रश्न, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, ए चंद्रशेखर वेंकटरमन, बी जगदीश चंद्र बोस, सी प्रफुल्ल चंद्र रॉय, डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्हें वर्ष 1983 में श्वेत वामन पर शोध कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने तारों की गति विज्ञान, प्लाविक भौतिकी एवं समान सापेक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इन्हीं के सम्मान में अमेरिका के नासा द्वारा चंद्र एक्सरे नामक दूरबीन अंतरिक्ष में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। दूसरा कथन, संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर, जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा के समानांतर स्थापित किया जाता है। FM के संचरण प्रदर्शन पर वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर का अधिक हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।